किसी शेल्फ में जब जाके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जाता है तो 50 रुपये 20 रुपये की कॉस्ट का ब्यूटी प्रोडक्ट 1000 रुपये का हो जाता है, 1000 रुपये का भी। तो पैकेजिंग का गेम है और हमारी पैकेजिंग को इज्जत नहीं मिल रही, तो हमको ये बोलना पड़ेगा एज अ प्रिंटर जाके कि बॉस आई एम योर ग्रोथ पार्टनर, आई एम योर पार्टनर। मेरे को सीन आज भी याद आता है कि उनके ऑफिस के बाहर एक रेड कलर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बहुत बड़े फॉन्ट्स पे, 360x7। अच्छा, तो जनरली लोग लिखते हैं 360x7 सर्व करेंगे। हाँ हाँ। तो मैंने पूछा नीलेश भाई ये 360x7 क्या है? हाँ। तो बोले परम जी है ना 360 करोड़ जाना है 7 साल में हमको, और ही डिड इट। वाओ, दैट वाज द, तब अपने को प्रिंटिंग के बारे का मैं पी भी नहीं पता था, अपने को RGB पता था, CMYK नहीं समझता था। और मैं लोगों से लड़ लेता था कि भाई ये RGB प्रिंट होना चाहिए, ये CMYK क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ पाता। मतलब अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कैलकुलेशन आपका प्लांट मिनिमम 20 घंटे चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी का कैलकुलेशन शुरू होगा। आप 12 घंटे प्लांट चला रहे हो और बोल रहे हो मेरे 70% इफिशियंसी आ रही, भाई 40% पे काम कर रहे हो आप। 10 लाख रुपए आपकी इन्वेंट्री से एक महीने में बाहर हो सकते हैं डेड स्टॉक के, करते नहीं क्योंकि वो हिम्मत नहीं। बिफोर मूविंग एड वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन अ वंडरफुल न्यू प्रोडक्ट, अ रीयूजेबल नोटबुक फ्रॉम नारा। इट्स 100% फ्री waterproof and tearproof notebook which can be used endlessly for years together. I think it's a great step towards a sustainable future and a new step in note taking. I have been personally using this notebook and have been able to save 6 to 8 pages every day. If you are interested in knowing more about this product, the link for the product is in the description below. Parmeshwar ji, welcome to Ink Stories. It's a pleasure to have you. You've taken the effort to come to Mumbai. आप हालांकि Pimax के लिए आए हैं लेकिन आपने extend किया stay और Ink Stories के लिए आप हमारे लिए रुके, it's honor. I am really happy that आप आए. तो again, welcome to Ink Stories. So thank you so much Sujit, and actually मुझे भी मिलना था, इसमें शामिल होना था, क्योंकि जो मिशन आपने शुरू किया Ink Stories से, इट इज़ अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है इंडस्ट्री में और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, छोटी सी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और अब जो मैंने सुना ये पॉडकास्ट चालू करने के पहले कि आप जो इंडस्ट्री में कर रहे हो हम वो आज अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो मैं इस असमंजस में था कि कहाँ से चालू करूँ कि यार आपके तो इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एक जो मैं चाहूँगा कि लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे कि 4x ग्रोथ जो आप कहते हो कि ये 4x ग्रोथ की क्या कहानी है, आप ज़रा बताएंगे। तो मेरी जर्नी जब शुरू हुई तो उसमें अलग अलग स्टेज रहे, लेकिन एक स्टेज आया जब मेरे मेंटर ने बोला कि आपका विज़न क्या है इंडस्ट्री को लेके, तो मैंने बोला कि मेरे को ग्रो करना है लेकिन मेरी ग्रोथ के साथ साथ मेरे कस्टमर की ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हल्की पतली ना हो के 4 गुना तो होनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे टाइटल दिया 4x ग्रोथ। अच्छा। देन वी डिसाइडेड कि इक्वेशन में 4 चीज़ें हैं एक प्रिंटर के पास में, एक उसका मार्केटिंग है, एक okay. उसको क्वालिटी प्रोडक्शन पे फोकस करना है, डिलीवरी okay. पे फोकस करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। ओके okay. तो हमने टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे कि ऑटोमेशन कैसे लाना है ताकि प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो। दूसरा, उन्होंने क्वालिटी पे प्रिंटर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे इन्हांसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ वो काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और डिलीवरी को कैसे फास्ट करें, क्योंकि प्रिंटर्स में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो 3 इक्वेशन के 3 डिग्री तो हमने इम्प्रूव किए। चौथा, मैंने बोला कि हमको मार्केटिंग की भी ज़रूरत है। बाय द वे, मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, ऑटोमेशन प्रोवाइड करता हूँ, बट मैं ये टीच कर रहा हूँ अभी कि मार्केटिंग क्यों करना, क्योंकि प्रिंटर ये नहीं जानते, अगर मैं एक प्रिंटर हूँ तो मैं भी नहीं जानता था इस बात को कि एक फार्मा कंपनी की गोली 2 रुपये की होती है और जब वो बॉक्स में जाती है तो 100 रुपये की हो जाती है। बिल्कुल। तो उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू उस बॉक्स ने दी है। हाँ। हमने स्पेशलिटी प्रिंटिंग एड की है, ग्रेवियर किया है, स्पेशलिटी बहुत अलग अलग टेक्सचर डाले हैं, और उस बॉक्स के कारण उस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट बड़ी है। किसी शेल्फ में जब जाके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जाता है तो 50 रुपये 20 रुपये की कॉस्ट का ब्यूटी प्रोडक्ट 1000 रुपये का हो जाता है, 1000 रुपये का भी। तो पैकेजिंग का गेम है और हमारी पैकेजिंग को इज्जत नहीं मिल रही, तो हमको ये बोलना पड़ेगा एज अ प्रिंटर जाके कि बॉस आई एम योर ग्रोथ पार्टनर, आई एम योर पार्टनर।
और ये ग्रोथ पार्टनरशिप जब बराबर जाएगी तो 4x ग्रोथ अपने आप होनी है प्रिंटर। लवली लवली, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि ये तीन जो टेक्नोलॉजी और बाकी ये दो चीज़ आपने कहा है वो तो लोग काम करते ही हैं, लेकिन मार्केटिंग में लोगों ने अपने आप को उस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि लोग उसको पहचाने और अपने कस्टमर्स अपने आप को और प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ पार्टनर समझे। राइट, एक्चुअली प्रिंटिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बढ़िया और दिग्गज इंडस्ट्री में आती है और लोगों को ये पता नहीं है। सुबह उठते हो आप तब से प्रिंटिंग आपके सामने होती है, टूथब्रश के ऊपर, उसके बॉक्स के ऊपर, अखबार, न्यूज़पेपर, बुक्स, आप सोते हो तब तक प्रिंटिंग आपको चारों तरफ दिख रही होती है। लवली, और वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देता, तो हमको रेस्पेक्ट लाना पड़ेगा, पहले अपने खुद वो मानना पड़ेगा और फिर लोगों के जहन में वो डालना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्राउड अबाउट आवरसेल्व्स, एब्सोल्युटली। तो ये जो आप कह रहे हो 4x, क्या आपने एक्चुअली ट्रांसलेट होते हुए देखा है कोई कंपनी में? यस, मेरे पास बहुत सारी अच्छी स्टोरीज है जिसमें से कैनपैक बहुत जबरदस्त केस स्टडी रही है। थोड़ा बताएंगे? तो 2012 में हमने उनके साथ काम शुरू किया, तो फर्स्ट डे जब मिला तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि यार मेरे को है ना बहुत अच्छे से ऑटोमेशन अडॉप्ट करना है मेरी टेक्नोलॉजी में। ओके। और मेरे पास बहुत सारे वर्टिकल्स मैं प्लान करना चाह रहा हूँ, तो आपका सिस्टम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सर 100% आई एम द पार्टनर विद यू। तो हम उनके प्लांट पे महीनों रहे भी उनके गेस्ट हाउस में। अच्छा। डीप में नीलेश सर ने और हमने बहुत सारा ऑटोमेशन पे काम किया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, पर उस प्रोडक्ट में कुछ एंगल्स जब ऐड हुए, जैसा मैंने आपको बोला, ऑटोमेशन वाले पार्ट हुए, प्रोडक्शन कंट्रोल हुआ, मैनेजमेंट को उन्होंने इम्प्रूव किया, और सबसे इम्प्रूव उन्होंने अपने पीपीसी डिपार्टमेंट को इनबिल्ट कर दिया ऑटोमेशन में। अच्छा। जैसा आजकल हम सब जगह करवा भी रहे हैं। आज कैनपैक 450 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी है। लवली, और जब उन्होंने आपसे बात करी तब कितनी थी वो? तब वो 20 करोड़ के ऊपर थे लगभग, और उनकी जो विजन था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आज भी। मतलब मेरे को सीन आज भी याद आता है कि उनके ऑफिस के बाहर एक रेड कलर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बहुत बड़े फॉन्ट्स पे, 360x7। अच्छा। तो जनरली लोग लिखते हैं 360x7 सर्व करेंगे। हाँ हा। तो मैंने पूछा नीलेश भाई ये 360x7 क्या है? हाँ। तो बोले परम जी है ना 360 करोड़ जाना है 7 साल में हमको, और ही डिड इट। वाओ, दैट वाज द अमेजिंग थिंग। एंड ऑटोमेशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिग रोल, बिग रोल। लवली, उनका विजन ऑटोमेशन को लेके जो लव था, केयर थी और रेस्पेक्ट था, और खुद को लेके जो काम करने का प्राउड और जो टीम बिल्डिंग थी, वाज अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट। तो थोड़ा ये अपन पहले आपके जर्नी में जाते हैं, एंड आई विल कम बैक टू ऑटोमेशन अ लिटिल मोर। आपका क्या जर्नी, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हो, आपके बारे में थोड़ा बताइए इंडस्ट्री। तो बचपन में कुछ बनना चाहते थे, कभी साइंटिस्ट बनते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं, हर बच्चे के सपने होते हैं, बहुत सारे सपने लेके एक हॉस्टल, नवोदय स्कूल्स होते हैं उसमें मेरी हॉस्टल में पढ़ाई हुई। अच्छा। फिर एक समय है जब से जन्मे आप झालावाड़, राजस्थान। अच्छा, में राजस्थान से बर्थ हुआ। अच्छा। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, फार्मिंग, फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा। बड़े भैया अभी भी पद्मश्री हैं, 2000 पद्मश्री होल्डर है। तो 2019 में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पद्मश्री मिला उनको। बढ़िया। तो किसान का बेटा हूँ, खेती अभी भी करता हूँ, वहाँ से निकला इंदौर आया पढ़ने के लिए, यार ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, तो कन्फ्यूजन था। तो कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया और एक हमारे मेंटर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि बीसीए कर ले। अच्छा। तो बीसीए ले लिया। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2000 में मैं इंदौर आया। अच्छा। और मैं बायो 12th का स्टूडेंट था। अच्छा। तो साइंस के थे, साइंस में, और तभी आईटी जस्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो रहा था, और बूम था एक जावा का, अगर आपने सुना हो तो कि जावा में लोग जा रहे हैं, शायद वही टाइम से था थोड़ा। हां, C++ जावा का बूम था। तो आ गए, तो बीसीए करते करते समझ में आया यार अपनी कंपनी खोलनी है। दोस्तों ने मिलकर मस्ती मजाक में शुरू किया, पर अब करना है। अच्छा। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने एमएससी शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाना मेरा शुरू से शौक रहा। तो एक मित्र थे हमारे शिरके जी, जो मेरे पास आए कुछ पढ़ने के लिए, फिर उनने सजेस्ट किया कि यार ऐसा कुछ एक सॉफ्टवेयर जैसा मैं बनाना चाहता हूँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री के। तब अपने को प्रिंटिंग के बारे का मैं पी भी नहीं पता था, अपने को RGB पता था, CMYK नहीं समझता। और मैं लोगों से लड़ लेता था कि भाई ये RGB प्रिंट होना चाहिए, ये CMYK क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ पाता। मतलब कभी कभी ऐसे करेक्ट बातें भी हुई बहुत बार। तो उनके साथ बैठा तो हमने एक छोटा सा बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया, PC लेके दिखाने गए लोगों को, प्रिंटर वो जमाने लैपटॉप है, समय लैपटॉप था नहीं। और हार्ड डिस्क खोल के ले जाना मुश्किल पड़ता था, कंपेटिबिलिटी का इशू था, एक दो बार हार्ड डिस्क भी ले गए, CD ड्राइव होती नहीं थी। करेक्ट। तो दिखाया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, हमारा स्वाध्याय प्रेस है उन्होंने अप्रिशिएट किया, नई दुनिया प्रिंटिंग ने अप्रिशिएट किया, तो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2007 के लगभग मेरी मैरिज के साथ ही जो शिर के साथ थे उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना ग्रो करो, मैं अपना कुछ जो चल रहा है उसको चलाना चाहता हूँ।
तो देन आई स्टार्टेड परम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज. अच्छा. दैट वाज परम नाम गिवन बाय माय मेंटर माय गुरु राजेश मूर्ति सर. अच्छा. तो उन्होंने मुझे वो नाम दिया था पढ़ते समय. अच्छा. तो उससे नाम शुरू कर दिया. अब वो काम बढ़ता गया. फिर नई दुनिया प्रिंटरी पे एक मुलाकात हुई विनोद नवाब साहब से, हमारे अच्छे मित्र है. तो झा साहब ने मिलवाया और उन्होंने बोला कि यार तेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, इनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, अच्छा. तो दोनों मिलके काम करो. तो फिर हमने साथ में काम शुरू किया. अच्छा. और 2012 तक आता था बहुत अच्छा मार्केट में पोजीशन होल्ड की. 2012 में फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए. विनोद जी की भी इच्छा थी कि यार मैं भी एक पार्टनर की तरफ जुड़ा हुआ हूँ तो कुछ अच्छा करते हैं. तो हमने फिर 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस को परम ईआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करके चालू किया. परम ईआरपी इतना बड़ा ब्रांड बना कि आज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आज भी उस नाम से जानते हैं. दैट वाज स्टार्टेड बाय मी. बहुत अच्छा चलता रहा. 2015-16 के लगभग आते आते ईएफआई ने हमको ऑफर दिया कि वी वांट टू टेक ओवर. वाओ. और एक बाहर की कंपनी ने आपको ऑफर दिया. कंपनी ने ऑफर दिया. दैट्स एन अचीवमेंट. कुछ कंडीशंस थी हमारी, कंडीशंस मैच नहीं हुई हमारी. मतलब हमारे पार्टनर थे विनोद जी की, उनकी इच्छा भी थी कि यार अपन कर दें इसको, बट वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमने फिर उसको मना कर दिया. और दैट टाइम दे टेक ओवर शटलवर्थ. अच्छा. दूसरी कंपनी को टेक ओवर. हाँ, शटलवर्थ इंटरनेशनल कंपनी थी, उसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया. अच्छा. तो हमारा तो कंपटीशन शुरू हो गया. सो उसी समय लवली पे सेल्वा कुमार सर के उधर हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया. चलते रहे. फिर कुछ ऐसे मिथ्स शुरू हुए आपस में. एक पार्टनरशिप में जनरली लाइफ में आता है कि एक पार्टनर कनेक्ट हो रहा है कस्टमर से बहुत ज़्यादा, दूसरा सिर्फ सेल कर रहा है, तो दिक्कतें आने लगी. तो विनोद जी के मन में कहीं ना कहीं आया कि यार मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ. मुझे लगा कि नहीं, काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं. तो मैं बहुत दिल से मतलब उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया इंडस्ट्री. बिल्कुल बिल्कुल. फिर एक स्थिति आई जब उन्होंने बोला कि यार अपन साथ काम नहीं कर पाएंगे. हाँ जी. और ये कंपनी मैंने बनाई है तो मैं रखना चाहता हूँ. तो मेरे मन में आया कि काम कंपनी मेरे नाम से, मेहनत मैंने भी की है, कुछ अब तक कमा भी नहीं पाया इसमें से. बट फिर कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि परमेश्वर ग्रो करने के बहुत सारे रास्ते हैं, छोड़ देते हैं. तो मैंने विनोद जी को रेस्पेक्टफुली कंपनी गिफ्ट की और दोबारा से वापस. विद नो वैल्यू. अच्छा. उनका कहना था कि कंपनी ने कुछ वैल्यू ही नहीं कमाई तो अपन क्या करते. मैंने ठीक है ना, लेट टेक इट. ब्रांड वैल्यू थी बहुत बड़ी, बट ऑब्वियसली मैंने भी सुना है आप. हाँ. और मुझे ऐसा लगता था कि ब्रांड अगर बना है तो दोबारा बनाया जा सकता है. और फिर मेरी जर्नी में एक नया एक बोलते मोटिवेशन शुरू हुआ कि अब मुझे खुद एक ब्रांड बनाना है और खुद एक ब्रांड बनना भी है. क्योंकि अगर मैं ब्रांड नहीं बनूंगा तो मैं सर्व भी नहीं कर पाऊंगा. उसी समय मेरे को सुनील रावत जी एक मेंटर के तौर पे भी मिले और कुछ इंडस्ट्री में तुषार धोते साहब, सेल्वा कुमार सर, नीलेश भाई, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. और सपोर्ट इस लेवल तक का था कि मैं जीरो से कंपनी स्टार्ट कर रहा था और इनने बोला कि परमेश्वर कितने पैसे चाहिए तुझे. अच्छा. कंपनी दोबारा स्टार्ट करनी है. क्या बात. क्योंकि सर्व तू करेगा. आप बता सकते हो कौन से साल की बात है जो आपका जो स्प्लिट हुआ? जून. स्प्लिट 2007 में हुआ. हाँ, मई में स्प्लिट हुए. और जून में जैसे ही उनको पता चला कि मैं बाहर हूँ परम ईआरपी से, तो उन्होंने बोला कि भाई काम तेरे को करना है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा तू है, डेवलप तूने किया है, टीम तेरे पास है, तो हमको सर्व तू ही करेगा. अच्छा. मैंने बोला सर मैं तो कर सकता हूँ पर मेरे पास कुछ है नहीं. अब मेरे को लग रहा है कि खेतीबाड़ी शुरू करनी पड़ेगी वापस. और लिटरली उस समय मैंने एक बहुत अच्छा फार्म शुरू भी किया था इंदौर में, गिर गाय का मिल्क. 100 काऊ रखी थी हम लोगों ने. अच्छा. तो हम दोस्तों ने कुछ करना तो था ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो करते रहो बट यू स्टार्ट अगेन. सो जून में हमने इंडस एनालिटिक्स, जुलाई में इंडस एनालिटिक्स शुरू किया. सेल्वा कुमार सर इन्वेस्टेड सम 2-3 लाख रुपीस, इमीडिएटली ट्रांसफर्ड मी. इट वाज ब्लेसिंग्स फॉर मी. वाओ. कि दैट इज ट्रस्ट. लोगों को क्या ट्रस्ट है. हाँ. परमेश्वर पाटीदार जी के. हाँ. और उन्होंने ये पूछा नहीं कि ये उधार है कि सॉफ्टवेयर के, क्या बोले बस चालू कर दे. वाओ. और कितने चाहिए मुझे बता देना. और ऐसे बोलने वाले मेरे को 5 लोग. लवली ऑफसेट. लवली ऑफसेट सेल्वा कुमार सर. सेल्वा कुमार. देन सुनील रावत जी. कितना चाहिए बोलना, जो चाहिए 10 महीने 15 महीने 1 साल जितना चाहिए, वी विल इन्वेस्ट यू, यू डू इट. अच्छा. फैमिली ने भी बोला कि भाई कर दे शुरू, अब क्या है. तो वापस वी स्टार्टेड. फिर 5 लोग बैठे, बाकी 5 लोग गाँव चले गए थे, पुराने बच्चे. अच्छा. अगले महीने उनको बुलाया, सैलरी देना शुरू की. मेरी टीम इतनी ब्यूटीफुल है सुजीत कि अभी भी बहुत बार मैं टाइम से सैलरी नहीं दे पाया कुछ समय पहले तक. अच्छा. और शुरू के 3 साल मैंने 2-2 महीने लेट सैलरी दिए. अच्छा. मेरी टीम में एक बंदे ने नहीं बोला कि सर मेरे को सैलरी नहीं मिली. बोले जब आएंगे ना सर पैसे तब देना, काम करना है बस. वाओ. और मेरी टीम में से एक भी बंदा आप छोड़ के नहीं जाता. सर्विंग कैपेसिटी इसी लेवल की है. लवली. मतलब अगर
कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, कोविड में 2 महीने सैलरी नहीं दे पाए, उसके पहले तो हम सस्टेन कर ही नहीं पा रहे थे, तो 2-2 महीने भी हम सैलरी नहीं दे पाए, लेकिन बंदों ने बोला कि सर कोई बात नहीं चलेगा, बढ़िया अप्रेजल नहीं हो रहा है काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया, और वो करके हमने आज यहाँ तक पहुँचे जो एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जा रहा है आज। बढ़िया, तो आज आप कितने कंपनीज को सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं? तो इस पामेक्स में हमने 273 क्लोज किया है। सिर्फ पामेक्स में? पामेक्स में आके, मतलब काउंटर यहाँ तक आ गया। अच्छा, काउंटर 273 तक, 273 तक आ गया है, और जिसमें से कुछ बहुत दिग्गज प्रिंटर्स को हम सर्व कर रहे हैं, रेप्लिका भी। तो इंडस एनालिटिक्स जो अभी आपकी कंपनी का नाम है, ये एग्जैक्टली करती क्या है, यानी अगर जो लोग नहीं जानते हैं, हाँ, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इंडस एनालिटिक्स का मेन बिजनेस क्या है? तो जब शुरू किया तो दिमाग में आया कि प्रिंटर्स को एक ऑटोमेशन की जरूरत है, जैसे मैंने इक्वेशन में बताया, ग्रोथ करने के लिए। और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंडस्ट्री, प्रिंट इंडस्ट्री, इंडियन प्रिंट इंडस्ट्री कोई प्रोफेशनल बिजनेस के थ्रू नहीं आई, या कोई प्रोफेशनल लोगों ने शुरू नहीं की। प्रिंटिंग करते करते सीख गए, मेरे पिताजी ने शुरू कर दिया, उसके पिताजी ने शुरू कर दिया, ऐसे ग्रो करते ऐसे करा। तो जब सबने ऐसे ग्रो किया तो कोई प्रोफेशनलिज्म, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। करेक्ट। अब नहीं था तो जितने भी दिग्गज लोगों से मैं मिला, उन्होंने जब ग्रो किया तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बड़ा गैप है, इसको ठीक करने की जरूरत है, ऑटोमेशन लाने की जरूरत है, लोग जॉब कार्ड भी नहीं बना रहे, उनको सिखाने की जरूरत है। तो इंडस एनालिटिक्स शुरू करते समय हमने एक विज़न रखा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट होके बड़े लेवल तक सर्व कर पाएँ ऑटोमेशन, जिसमें उनका कॉस्ट एस्टिमेशन के चैलेंजेस हो गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैलेंजेस हो गए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से चैलेंजेस, उसके बाद डिलीवरी से रिलेटेड चैलेंजेस। एक कस्टमर जब आपके पास आता है और वो हैप्पी कस्टमर बन के आपकी फीट थपथपा दे, उस तक की जर्नी कंप्लीट कराने का बीड़ा इंडस एनालिटिक्स ने उठाया। लवली, कि कस्टमर हैप्पी कैसे होगा आपके यहाँ से, और कुछ छोटा एग्जांपल दे सकते हो कि लोग समझ पाए कि ये तो आपने टेक्निकली बता दिया। yes. किसी क्लाइंट के साथ ये आपने करा और उनको उनके कस्टमर से वो थपथपाई मिली, थोड़ा संक्षिप्त में। हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत सारे एग्जाम्पल है इंदौर में, जैसे एक अथर्व पैकेजिंग भी है। तो जब ऑटोमेशन नहीं था तब काम कर रहे थे, पर जब कोटेशन टाइम से नहीं, 70% प्रिंटर्स टाइम से कोटेशन नहीं दे पाते अभी। करेक्ट। तो सबसे पहले कोटेशन का सॉफ्टवेयर गया, तो टाइम से कोटेशन जाने से लीड डबल हो गई, कन्वर्जन बढ़ गया। फिर जब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, जॉब कार्ड स्टैंडर्ड हुआ और वर्क फ्लो इम्प्रूव हुआ, करेक्ट, तो कस्टमर को राइट रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ कि मेरा जॉब कब मिलेगा। ऑटो हाँ। शेड्यूलिंग मिलने से ये लेवल आ गया लोगों के पास अभी उनके पास, कि वो कमिट कर पाते हैं कि 15 तारीख को आपका जॉब मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो कस्टमर रिटेन करने थे वो बड़े, और कस्टमर ने उनको आज अप्रिशिएट करना शुरू किया कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, यू वांट टू वर्क विद यू बिकॉज यू आर डूइंग टाइमली डिलीवरी, यू आर डूइंग फैंटास्टिक क्वालिटी वर्क, करेक्ट, एंड यू आर डूइंग विद द टाइम कोटेशंस, जो हमको बार बार परेशानी होती है कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो आप हैंडल कर पाते, चाहे आर्टवर्क मैनेजमेंट हो, चाहे उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो। उन्होंने एक अच्छा और अचीवमेंट किया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को रिड्यूस किया। बढ़िया। फ्लोर पे आज भी आप देखोगे तो प्रिंटर्स के फ्लोर पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का डेड स्टॉक पड़ा होता है। अच्छा। पेपर का स्टॉक मिला आप, मैंने देखा लिटरली। अच्छा। बाहर निकाला और इनके पास बहुत कम हो गया, बहुत जीरो के लेवल पे आ गया, क्योंकि जस्ट टाइम इन्वेंटरी मैनेज कर, प्लानिंग परफेक्ट हो गई। बढ़िया। तो इन्होंने उस ग्रोथ को अचीव भी किया। बढ़िया, लवली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सुपर। तो जो आज इंडस एनालिटिक्स के कस्टमर नहीं है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग, मैं तो जानता नहीं हूँ जो ये बिजनेस में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये लिसनर्स हैं जो देख रहे हैं ये, कि उन्होंने क्यों सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, भले वो इंडस एनालिटिक्स से या किसी और से, पर क्यों लेना चाहिए? व्हाट इज इट दैट? सो यू एब्सोल्युटली सेड राइट कि मैंने एजुकेट करना शुरू किया है कि प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सिखाना है, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया इसको, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको लर्न करो कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ऑटोमेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, इफिशियंसी इन्हांस होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और स्केलेबल बिजनेस बनेगा। ये 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे आपके प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन से। करेक्ट। और ये फ्रेमवर्क एडॉप्ट करने के लिए हमने प्रिंट पाठशाला में पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं दिल से चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि कुछ सीखना है प्लेटफॉर्म पर आके सीख सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर बेचते भी नहीं है, अभी यहाँ पे भी यही हुआ, हम बोलते हैं कि सर आप पहले समझो करना क्या है। हाँ। एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर किसी का भी ले सकते हो, मार्केट में सॉफ्टवेयर 10 तरह के, आपको इम्प्लीमेंट राइट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस पे लेके आना है अपनी टीम को। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपने बोला प्रिंट पाठशाला, ये क्या चीज़ है? तो प्रिंट पाठशाला हमने एक एजुकेशनल पार्ट शुरू किया अभी रिसेंटली,
पिछले दैट इज द एजुकेशन थिंग एजुकेशन पार्ट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस यस अवेयरनेस और उसके बैनर तले मैंने अभी जो रोमांसिंग प्रिंट है उसमें भी कोल्हापुर में लेक्चर लिया था बहुत सारी जगह लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन भी ले रहा हूँ दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट काइंड ऑफ नथिंग जीरो तो इसके तीन वर्टिकल हैं पहले वर्टिकल में हम नए प्रिंटर्स जो भी यंग जनरेशन है उसको एजुकेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना कैसे क्योंकि इस सब्जेक्ट को इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड नहीं पढ़ाता है ओके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये डिपार्टमेंट हार्ट है किसी प्रेस का उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं उसको कोई नहीं पढ़ा रहा है तो हमने वो पढ़ाना शुरू किया इंदौर के हमारे अभी 10-12 यंग प्रिंटर्स हैं जो मेरे ऑफिस में बैठते हैं हर 15 दिन में हम लोग डिस्कस करते हैं और मैं उनको पढ़ाता भी हूँ उस चीज के बारे में क्लास फैंटास्टिक जा रही है ये फिजिकल क्लास है ऑनलाइन क्लास फिजिकल है अभी ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ तुषार सर ने बोला है कि यार इसको ऑनलाइन करो नहीं बिल्कुल करना चाहिए आपने तो इंडिया में तो ये तो धूम मचा देगा दूसरा वर्टिकल रखा उसी में हमने सुजीत दैट इज फॉर प्रिंटिंग एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको आप स्किल कौन करेगा वो तो वहीं बैठा हुआ है ना करेक्ट तो उसको आप स्किल करने के लिए उसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर्टिफिकेशन दे रहे हैं और तीसरा हमने हम जब भी सॉफ्टवेयर देते हैं तो लोग बोलते हैं यार बंदा भी दो सॉफ्टवेयर चलाने वाला तो हमने अभी धीरे धीरे हायरिंग शुरू की और 1-1.5 महीना फ्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को अपने ऑफिस में और उसके बाद उसको किसी प्रिंटर के यहाँ पे एम्प्लॉय करवाते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी हो गई फ्री में अरे प्रिंटिंग इंडस्ट्री हम उसमें कुछ नहीं कमा रहे हैं हमको न उस बच्चे से पैसे ले रहे हैं ना प्रिंटर से पैसे ले रहे हैं बंदा भेजने के यू जस्ट गो देयर एंड योर वे ऑफ गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री यस दिस इज माय गिफ्ट कि मैं गिफ्ट क्या दूंगा मैं तो बहुत छोटा हूँ इंडस्ट्री को मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैं ये कर रहा हूँ कि ये बच्चे ग्रो करें इंडस्ट्री में नए लोग आए और इसको तेजी से आगे बढ़ाए तो ये जो आप ऑटोमेशन में ये कर रहे हैं बहुत आप क्या मैं सही हूँ ये बोलने में कि बहुत सारे प्रिंटर्स आज भी ऑटोमेशन को अडॉप्ट नहीं किए करेक्ट है या राइट ऑलमोस्ट मान के चलिए 72% लोग से ज्यादा हैं ऐसे जो अभी भी ऑटोमेशन से अवेयर ही नहीं है अवेयर ही नहीं है वो अवेयरनेस पहले क्रिएट करना yes. तो ये जो अवेयर या जो जिजक क्योंकि अपने सामने हर जगह टेक्नोलॉजी हम रोज हाथ में टेक्नोलॉजी लेके घूम रहे हैं right. हर जगह पे तो ये क्या कारण है कि हमारी इंडस्ट्री ये ऑटोमेशन या ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में थोड़ी झिझक दिखा रही है आप क्या उसके बारे में उसके पीछे दो रीजन है एक मतलब मैंने प्रिंटर की लाइफ को जिया है क्योंकि मैं प्रेसों में कितनी रात गुजारी है अच्छा। तो मैंने देखा है कि जो काम को लेके मिशन होता है उसको तो बहुत डेडिकेशन है लेकिन इंडस्ट्री में क्या आ रहा है उसके लिए ना एग्जीबिशंस में जा पा रहे हैं देखने ना अवेयरनेस के लिए कोई जगह पहुंच रहे हैं और टेक्नोलॉजी में सिर्फ उनको ये पता है कि यार मशीन में कुछ नया आया है अदर देन मशीन क्या एफिशिएंसी के टूल्स हो सकते हैं वो नहीं जानते मैंने अभी कोल्हापुर का मैं इंस्टांस रियल इंस्टांस है मैंने पूछा हाथ खड़े करवा के कि कितने लोग एक घंटे आधे घंटे में कोटेशन देते हैं मात्र 3 लोगों के हाथ खड़े हुए जो भी कौन थे तुषार धोते साहब प्रकाश कैंसल साहब और उनके साथ होलकर साहब अशोक अच्छा। 3 लोगों ने हाथ खड़े किए अच्छा 200 लोगों में से फिर मैंने बोला अच्छा आधे घंटे में किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ 1 घंटे में 3-4 हाथ खड़े हुए 1 दिन में 10 हाथ खड़े हुए 2 दिन में जाके कोटेशन देते हैं जबकि कोटेशन के सुजीत इतने सिंपल छोटे छोटे टूल्स आज बन गए हैं हमने भी बनाए हैं और भी लोग दे रहे हैं ट्रस्ट क्रिएट करो शुरू करो आप अगर विद इन 5 मिनट कोटेशन देते हो तो कन्वर्जन रेशियो कितना बढ़ेगा बढ़िया ऐसे छोटे छोटे ऑटोमेशन और इफिशियंसी की कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल यानी आप मैं जो सोच रहा था आप जो कह रहे हो ना कि कैसे हम ये मैंने क्योंकि मैं खुद प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी प्रिंटर्स के साथ हमारा काम होता है तो प्रिंटर ये बात करता है कि उसको नया मशीन डालना है नया ये लेना है पर अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का बात शायद लोग इतना नहीं कर रहे हैं या उनका अवेयरनेस उसमें नहीं है जो जिसका जिम्मा आपने लिया हुआ है तो बहुत अच्छा थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है बात में पहले क्लियर कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं बट मैं एक प्रेस पे था पिछले 2 हफ्ते पहले इंदौर में हाँ जी और उनका एक नया प्लांट वो बना रहे हैं और उन्होंने बोला कि यार हम पामेक्स के लगभग जाएंगे अभी और मशीन पसंद करके आएंगे मशीन लाने का प्लान चल रहा है तो मैंने बोला आप कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हो उन्होंने मेरे को ऑटोमेशन के लिए ही समझने के लिए बुलाया था तो अवेयरनेस में दे रहा था बोले सर एक शिफ्ट करते हैं 12 घंटे की मैंने 2 शिफ्ट क्यों नहीं करते अरे यार रात में है ना तकलीफ होती है मैंने मुझे एक बात बताओ 2 करोड़ की मशीन लाएंगे 2 करोड़ की मशीन का एक EMI होगा लोन है ना घर के पैसे अच्छा चलो घर के पैसे तो ब्याज पे लगा दो इंटरेस्ट कमाएगा ना कोई का भी पैसा हो पैसा तो है तो बोले इंटरेस्ट जाएगा बोले हाँ मैंने उसके बाद भी दिन की टीम तो फिर भी रखनी पड़ेगी उतने ही लोग बोले हाँ तो मैंने वो जो टीम रख रहे हो ना वो टीम रात में रख लो मशीन 1 साल बाद लगा लेंगे पहले इसको 24 घंटे तो चलाओ लोगों को समझ नहीं है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कैलकुलेशन
आपका प्लांट मिनिमम 20 घंटे चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी का कैलकुलेशन शुरू होगा। आप 12 घंटे प्लांट चला रहे हो और बोल रहे हो मेरे 70% इफिशियंसी आ रही, भाई 40% पे काम कर रहे हो आप। उस दिन उनने पामेक्स में आऊंगा लेकिन विजिट करूंगा, मशीन नहीं लूंगा, काट दिया। ही लर्न दैट डे कि भाई साहब आंखें खोल दी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दिन में भी तो मेरे को उधर बंदे रखने हैं। Correct. उन बंदों के ऊपर मैं रात में एक सुपरवाइजर और रख दूंगा। Correct. एक ऑटोमेशन का कैमरा लगा दूंगा, कुछ Correct. लगा दूंगा, काम करवा लूंगा ना, करवा लूंगा। बट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो सोच आना जरूरी है कि जहां से आप अपना एफिशिएंसी इंप्रूव करो। आज हमारे इसके पहले भी एक गेस्ट है विनोद जी, जो अभी SMI के CEO, उन्होंने भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था कि एफिशिएंसी बहुत सारे कंपनीज में नहीं है, वो एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। एक केस और बताता हूँ, केनपेक का केस है, मतलब बहुत छोटा सा है, नीलेश सर का। तो एक बार जब ऑटोमेशन वहाँ शुरू हुआ और उनकी 24 आवर प्लांट चलता था, ब्यूटीफुल चीज़ें थी, और जब चल रहा था तो उन्होंने वेस्टेज में कुछ दिक्कत आ रही थी, नाइट के वेस्टेज में, तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि एक बंदा QC का नीचे भेजो और एक नया हायर करो 20,000 रुपये का, क्योंकि वो जो वेस्टेज बचाएगा बंदा वो 4-5 लाख रुपये से ज़्यादा का होगा, क्योंकि रात में काम निकाल के देगा ना, कंट्रोल करके देगा, और बंदे की सैलरी 20,000 रुपये। आप सोचो कि लोग डरते हैं कि मेरे को पर्सन हायर क्यों करूं, और यार एक बंदा रखना पड़ेगा ऑटोमेशन के लिए। 10 लाख रुपये आपकी इन्वेंट्री से एक महीने में बाहर हो सकते हैं डेड स्टॉक के। Correct. एक बंदे की कीमत 15,000 रुपये है। करेक्ट, करते नहीं क्योंकि वो हिम्मत नहीं है। करेक्ट। तो ये छोटे छोटे एडवांस हैं जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर, ऑटोमेशन के लेवल पर जस्टिफाई करने की जरूरत है। बढ़िया सर, आप प्लीज़ ये क्लासेस लीजिए, आई एम श्योर इट विल हेल्प द एंटायर इंडस्ट्री, नॉट ओनली द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, हमारे जैसे जो कंपनीज है जो पेपर में है, हमारे लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। आई वुड लव टू लर्न बहुत सारी चीज़ें। हाँ, सर, बिल्कुल, है, बिल्कुल बिल्कुल, KRA कैसे बनाना, बिल्कुल, है की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया डिफाइन करना है, टीम प्रोडक्टिविटी कैसे लाने, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को भी तो प्रोडक्टिव बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने वही शुरू किया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप मेरे को, आपको पूछने के लिए और इतने सारे सवाल हैं, लेकिन फॉर द पॉसिटिव ऑफ टाइम मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये मुझे पूछना है कि ऐसे कोई चीज़ है जो मैंने अभी आपको पूछा नहीं, पर आपके कंपनी और आपके एक्सपीरियंस और आपके जो जर्नी के बारे में जो आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, एनीथिंग दैट आई मिस्ड आउट, समथिंग अबाउट एक्शन पॉइंट यू हैड मेंशनड। सो हमने अभी प्रिंटर्स के लिए 22 एक्शन पॉइंट्स निकाले थे। अच्छा। मेरे वेबसाइट पे भी डले हुए हैं, और मैं तो बहुत खुल के बोलता हूँ, किसी को भी लगता है मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तो यू आस्क मी, मेरी वेबसाइट पे बुक करें, मिलें, और वो 22 एक्शन पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये गारंटीड है कि आप 4x 6x ग्रोथ प्रिंटिंग में अगले 2 साल में ही ला सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं करने के लिए, और वो मिसिंग पॉइंट इसलिए मिसिंग होते हैं क्योंकि हम भाग रहे होते हैं किसी एक काम में, ऑब्जर्वर देखता है कि ये 6 चीज़ें छोड़ के बैठे हुए, 6 चीज कर लो काम ठीक हो जाएगा। बढ़िया। तो ऑब्जर्वर की दृष्टि से मैंने वो सारे निकाले हैं, 22 एक्शन पॉइंट। मैंने ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा प्रेसें विजिट की है सुजीत, मेरे इस 18-20 साल के करियर में, और इनमें मैंने यही देखा है कि अगर मैं फ्लोर पे चला गया तो 3-4 चीज़ें तो ऑब्जर्व करके वहीं निकल जाती। तो ऐसे बिनते बिनते 20-22 से भी ज़्यादा हो गए अभी, तो 22 एक्शन पॉइंट है जो इम्प्लीमेंटेबल है। बढ़िया। तो मैं ये कहूँगा हमारे दर्शकों को, प्लीज़ अगर आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इंडस एनालिटिक्स के वेबसाइट पे जाइए और ये 22 एक्शन पॉइंट पढ़िए और ट्राई कीजिए कि आप भी 4x या 6x ग्रो कर सके। और कुछ अगर आपको डाउट हो तो परमेश्वर जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, आई एम श्योर ही वुड बी विलिंग टू हेल्प एंड मोर देन हैप्पी टू बी ऑफ यूज टू योर ग्रोथ। मेरे पास और 2 सवाल है फॉर द यू नो टाइम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, वी वुड वॉन्ट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, आपको भी आगे बढ़ना है। जैसे मुझे, मैंने आपके बारे में सुना तो था, मैं पर्सनली आपको जानता नहीं था, मुझे तुषार जी ने आपके बारे में बताया, एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विथ यू। वैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे आप इतने 500 प्रेसेस में आप घूम चुके हो इतने सालों में, तो ऐसे कोई जर्नीज हैं जो प्रिंटर्स हैं या कोई और इंडस्ट्रीज जिसके बारे में आप सजेस्ट करना चाहोगे, होम वी शुड इन्वाइट फॉर आर पॉडकास्ट, कोई आपके? तो मैं, मतलब मैंने जो लर्न किया है एक सेल्वा कुमार सर से किया है, वी शुड इन्वाइट हिम, बिकॉज उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया और बहुत सारे लोगों को मंच पे बोला है कि भाई ऑटोमेशन का पहला चरण है बेसिक मैनुअल सिस्टम शुरू कर लो, जॉब कार्ड बनाने का एक्सेल से शुरू करो, और मैं भी ये सिखाता हूँ आज। अच्छा। कि मत मेरा सॉफ्टवेयर लो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे से एक्सेल का फॉर्मेट ले लो, वहाँ से शुरुआत करो, लेकिन चालू करो, स्टार्ट इट।
क्योंकि उससे डेटा कंट्रोल आना शुरू सेल्वर सर इज वन नेम दैट यू रेकमेंड वन ही इज एंड इंस्पायरिंग आई इंस्पायर्ड विद निलेश तोड़ी सर सो आई रेकमेंड मैं खुद ही बोलने वाला था कि मैं उनका नाम लेना चाहूंगा समवन हु हैड द विजन टू राइट 360/7 आउटसाइड हिज यूनिट यू नो कभी लोग कोई मजाक उड़ाते बट देन ही हैड दैट कन्विक्शन करेज की नहीं मैं बोलूंगा और उन्होंने करके दिखाया एक व्यक्ति और हैं जो मैं पूरी जर्नी में जिक्र नहीं कर पाया विजय श्री के डायरेक्टर राजेंद्र जैन साहब अच्छा तो उनसे कुछ जिंदगी के ऐसे लेसन्स और चीजें सीखी है जो मतलब अमेजिंग थी ये कहाँ से है ये विजय श्री इंदौर में है विजय श्री लिमिटेड ओके तो उनके डायरेक्टर हैं और ऑटोमेशन जैसे मैंने कैनपैक में शुरू किया एक साल पहले उनके वहाँ शुरू किया और वहाँ से मैंने फैंटास्टिक चीजें खुद भी लर्न की बढ़िया स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड उन्होंने मेरा किया और मैंने उनकी टीम का किया और आज विजय श्री सेंट्रल इंडिया में बहुत जबरदस्त कंपनी मानी जाती है पैकेजिंग में तो ये तीनों का माय जर्नी पार्टनर्स बढ़िया ये तीनों का आपसे मैं कॉन्टेक्ट बिल्कुल लूंगा और उनसे कनेक्ट करूंगा आप भी अगर मौका मिले तो उनको बोलना कि मैं उनसे बात करूंगा और एक आखिरी सवाल है हमारे लिए कि आपने अभी ये पॉडकास्ट करा पिछले आधा घंटा आपने हमसे बात किया हमने बताया आपका जर्नी तो आप क्या सोचते हो ये पॉडकास्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसके बारे में आप क्या सोचते हो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ये करने में सो मैंने पिछले साल इसके बारे में सुना था जब तुषार सर ने मुझे बताया था कि आपने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और पॉडकास्ट का पर्पज़ है अवेयरनेस लाना करेक्ट तो एक ट्यूनिंग होती है अवेयरनेस के लिए हम दोनों एक ही तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी वेट कर रहा था ईगरली कि यार मैं इस मंच पे आकर कुछ बोलूं और वो बात आप लोगों तक पहुंचाए क्योंकि अवेयरनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिमांड है आज चाहे एग्जीबिशन करें हम अवेयरनेस के लिए करते हैं एजुकेट करें अवेयरनेस के लिए करते हैं तो दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया और आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में से टाइम निकाल के काम कर रहे हैं तो ये छोटा काम नहीं है बहुत बड़ा है लोगों तक जाएगा मतलब हम सब साथ में कर रहे हैं इस काम को बिल्कुल बिल्कुल भले ही थोड़ा ही लेकिन इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ तो हम वापस कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल हम हमारी तरफ से आप आपकी तरफ से सुन के बहुत अच्छा लगा मिलके उससे भी ज्यादा अच्छा लगा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कभी लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं हम बचपन के दोस्त हैं मुझे वो फीलिंग मिला आपसे थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इम्प्रेसिव जर्नी और आप जो इंडस्ट्री में कर रहे हो काबिले तारीफ है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और जानें और ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लाए मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज मिलके मतलब मैं तो लास्ट ईयर से वेट कर रहा था कि मौका मिलेगा कब मिलूंगा आपसे कब बात होगी और आज वो मौका आ भी गया समय भी अच्छा था तो चीजें हो गई जी और हम बस सर्व कर पाए यही मेरी इच्छा है बढ़िया बढ़िया धन्यवाद थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू नमस्ते जी